नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद आलोक ऑनलाइन क्लासेज में, जो आपकी वास्तव में सारी नीट पे खरी उतरती है और आपकी फेवरेट कोचिंग बनती जा रही है। हम लोग एक नए बैच के साथ प्रवेश तो किए हैं, लेकिन वो हमारी जितनी उत्साह थी ले आने की, उससे ज्यादा अथक परिश्रम आपका था। यह आपके अथक परिश्रम और लंबे संघर्ष के परिणाम ही है जो इतनी ज्यादा संख्या में पहली बार यूपीएसआई की वैकेंसी आई और हमने उसको एक बार फिर से प्रमाणित करने के लिए कि क्या हम आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतरते हैं, हम सब फिर एकजुट होकर आपके सामने आ गए और हमने आरंभ कर दिया एकलव्य बैच। किसके लिए? यूपीएसआई आपके सपनों को सजोने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने 2016 से देखा है क्या कंडीशन रही है। वो कंडीशन जो रही है उसके बाद आपके मांग, बढ़ती मांगों को देखकर फिर से आपके लिए एक सुनहरा मौका आपके द्वार पर आपकी खुशियों के लिए लेकर इतनी बड़ी संख्या में सौगात अगर कोई आया है तो वो इतना महत्वपूर्ण पद जिसका सपना आप देख रहे थे। तो इस देखे हुए सपने को और सजोए हुए अपने रंगीन सपनों को खत्म मत होने दीजिएगा। ये बहुत मजबूत अवसर है, बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, इसे चूकने मत दीजिएगा। क्योंकि अगर आज आप चूक गए तब समझ लीजिए जो आपने सोच रखा है वो आपके हाथ से गया। क्योंकि एक ही बार व्यक्ति चूकता है, एक ही बार व्यक्ति चूकता है और वो चूक जाना, उस अवसर को खत्म कर देना उसके जीवन पे प्रश्न चिन्ह लगा देता है। और आपको याद होगा कि पृथ्वीराज चौहान के लिए चंद्रबरदाई ने कहा था कि अगर आज के क्षण में तुम चौहान चूक गए तो पूरे जीवन, तुम्हारी जिंदगी उस मृत व्यक्ति से भी बुरी हो जाएगी जिसके मरने के बाद नाम तो लिया जाता है। इसलिए उसने क्या कहा? उसने कहा चार बांस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? ये एक आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, बहुत सुनहरा अवसर है। यूपीएसआई इतने ढेर सारी पदों के साथ इतनी भरपूर संख्या में आपके लिए आई हुई, लग जाइए। हम तो लगे ही हैं, आप लग जाइए। और इस एकलव्य बैच के लिए हम बिल्कुल प्रयासरत हैं और हम चाहते हैं कि आप भी अपने प्रयासरत रहकर अपने सपनों को पूरा करें। क्योंकि मुझे पता है ये एक ऐसा पद होता है जब व्यक्ति के शरीर पर वो स्टार सजे होते हैं जिस स्टार का आपने सपना देखा होता है। खाकी का रंग अपने आप में ही सर चढ़कर बोलता है क्योंकि लगता है कि हाँ, मैंने कुछ गट्स पाया है। तो आपके तो वो सपने हैं ना जिन्हें पूरा करना है, क्योंकि कहा जाता है ना, मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूं अंग वर्दी का। बड़ी किस्मत से मिलता है ये खाकी रंग वर्दी का। तो आइए एकलव्य बैच शुरू करते हैं। एकलव्य बैच में इसमें आप जहां हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं, मैं वहां एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि यह है हमारा व्हाट्सएप नंबर, यह है हमारा व्हाट्सएप नंबर 7398035775। ये हमारे एंट्री के लिए यूपीएसआई जो एकलव्य बैच 2021 में आरंभ हुआ है उसके लिए है। यूपीएसआई के बैच में जैसा हम लोगों ने देखा कि टोटल 400 मार्क्स का है। इस 400 के मार्क्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए पोर्शन बनता है मैथ रीजनिंग हिंदी इन सब के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है वो है पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटी आपके लिए भारतीय राज व्यवस्था, पॉलिटी, और फिर बनता है मूल विधि बनता है। तो अब आप समझ लीजिए इसमें मूल विधि तो हमारे सर आरंभ कर दिए हैं, पॉलिटी आप मेरे साथ पढ़ेंगे, यानी आप मेरे साथ भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। अब भारत की राज्य व्यवस्था को इस प्रकार पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन जाने ना पाए। मैं नहीं चाहती हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से चला जाए, यह मेरी खुद की जिम्मेदारी है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जितने प्रकार के जैसे भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं मैं लाकर आपके समक्ष दूं, और आपका मात्र मात्र एक नैतिक कर्तव्य है कि आप उस पर गहन अध्ययन करें, प्रैक्टिस करें और आप उसको कर जाएं, बस आपका ये कार्य है। तो देखिए इसको शुरू करते हैं, भारतीय राज व्यवस्था हम लोग क्या करते हैं, अब आरंभ करते हैं।
अच्छी वैकेंसी है, अच्छा मौका है, तो इसको हाथ से गंवाना नहीं है। भारतीय राजव्यवस्था में हम लोग क्या करेंगे, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राजव्यवस्था का, भारत का संविधान। भारत का संविधान जिसकी पृष्ठभूमि जो किस पर डिगा हुआ है, यानी अगर किसी भी देश के संविधान का निर्माण करना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले एक संप्रभु संस्था का निर्माण करना पड़ता है। किसका निर्माण करना पड़ता है, संप्रभु संस्था का। और ऐसी सर्वोच्च निकाय या संप्रभु संस्था क्या हो सकती है, संविधान सभा हो सकती है। क्या हो सकती है, संविधान सभा। बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है आपने अगर देखा होगा क्वेश्चन इसका, यूपीएसआई आईएसपीसीएस और जितने भी स्टेट्स के एग्जाम्स है उसमें सब में इससे क्वेश्चन बनता है। किससे बनता है, संविधान सभा के गठन से बनता है, संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया से बनता है। संविधान सभा में जो चुनाव हुए, जो प्रक्रिया थी, जो समितियां थी, समितियों का निर्माण किया गया और एक तरफ उनके अध्यक्ष बनाए गए, इनसे क्वेश्चन बनता है, इनसे क्वेश्चन बनता है। तो हम क्या कर ले, हम आज पढ़ ले भारत की संविधान सभा, भारत की संविधान सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मैंने बताया जैसा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। देखिए भारतीय राजव्यवस्था हम पढ़ाएंगे, इसके अलावा हमारे जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं सारे टॉपिक से वो भी देखेंगे, प्लस पढ़ाने में हमें क्या क्या लेना है, क्या क्या सिलेबस है, हम बाद में उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, संविधान सभा की मांग बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन, ऐसे संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया, ऐसे संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया, संविधान सभा के लिए बनाई गई समितियां और उनके अध्यक्ष। हम क्या कर ले, इन सब को अगर पढ़ ले तो आपको लगता नहीं है कि हमारे यहां से तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे। गठन की प्रक्रिया क्या है, गठन की प्रक्रिया जब उसका चुनाव हुआ जुलाई 1946 में, हम तब की बात कर रहे हैं, 389 सदस्यों के लिए हुआ, फिर 93 देशी रियासत थी ये, तो किस प्रकार बाद में चल के 296 सदस्य होते, इन सब पे हम चर्चा करेंगे, किसको कितने मत मिले इस पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा की मांग, सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ऐसी मांगे कब तक बढ़ती रही और हर बार अधिवेशन जो होता रहा उसकी अध्यक्षता लोग करते रहे, तो किस प्रकार इसमें परिवर्तन और मांग की प्रक्रिया में आधुनिकपन आता रहा, हम लोग क्या करेंगे इन पर चर्चा करेंगे। तो पढ़ेंगे क्या, संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें इतनी प्रक्रियाओं के माध्यम से हम लोग आगे चलेंगे। भारत की संविधान सभा की अगर बात करें तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि सबसे पहली बार संविधान सभा का विचार कहीं आया तो वो इंग्लैंड में आया। इंग्लैंड के सर हेनरी मेन ने सबसे पहले संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया। किसने किया, इंग्लैंड के सर हेनरी मेन ने किया, किंतु इसे व्यवहारिकता अगर किसी ने प्रदान की पूरे विश्व में तो इसे अमेरिका और फ्रांस द्वारा व्यवहारिकता प्रदान की गई है। अमेरिका और फ्रांस द्वारा इसको व्यवहारिकता प्रदान की गई, किंतु इसकी सबसे पहली मांग सर हेनरी मेन जो कि इंग्लैंड के थे उन्होंने किया था। अब आते हैं भारत में, क्योंकि किसी भी देश के संविधान निर्माण की पहली शर्त होती है, याद रखिएगा किसी भी देश के संविधान निर्माण की पहली शर्त क्या होती है,
एक निकाय, कैसी निकाय, ऐसी संप्रभु निकाय, ऐसी सर्वोच्च निकाय जो क्या करती हो, तो जो अपने देश के संविधान का निर्माण करती हो, अगर ऐसा निकाय नहीं है, ऐसा पटल नहीं है, तो उस देश के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए संविधान निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? संविधान निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है संविधान सभा। संविधान सभा क्या है? तो संविधान सभा एक ऐसा सर्वोच्च संप्रभु निकाय है जो जनमानस की आकांक्षाओं को पूरा करता है, और एक ऐसा पटल है जिस पटल पर बैठकर जनमानस के चुने हुए प्रतिनिधि अपने देश के लिए संविधान का निर्माण करते हैं, अपने देश के लिए संविधान का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं संविधान सभा क्या है। तो संविधान सभा एक सर्वोच्च और संप्रभु निकाय है, एक सर्वोच्च और संप्रभु निकाय है अर्थात एक पटल है जिस पर बैठकर देश के संविधान का निर्माण किया जाता है। क्लियर है यहां? ऐसे संविधान सभा की सबसे पहली मांग किसने की? इंग्लैंड में सर हेनरी मेन द्वारा की गई। सर हेनरी मेन द्वारा प्रथम बार विचार प्रतिपादित किया गया, यानी पहली बार किसी ने ऐसा विचार दिया कि किसी भी देश के संविधान के लिए संविधान सभा का होना अनिवार्य है, तो सर हेनरी मेन थे। किंतु ऐसे संविधान सभा के विचार को, ऐसे संविधान सभा के विचार को पहली बार व्यवहारिक रूप प्रदान किया, कहां? पूरे विश्व में। भारत में अगर हम बात करेंगे व्यवहारिक रूप, तो 1946 कैबिनेट मिशन आएगा। व्यवहारिक रूप अगर किसी ने प्रदान किया तो अमेरिका और फ्रांस द्वारा प्रदान किया गया। अमेरिका और फ्रांस द्वारा प्रदान किया गया। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान संविधान सभा की मांग लगातार होती रही, संविधान सभा की मांग लगातार होती रही। इसकी मांग कम नहीं हुई है भारत में, इसकी मांग भारत में लगातार हो रही है। क्लियर है यहां? अब देखिए, यानी अगर भारत में इसकी मांग हो रही है, तो पहले आए यहां पर कि भारत में, क्योंकि हम लोग भारत के संविधान सभा को पढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में संविधान सभा की पहली मांग, सर्वप्रथम किसने संविधान सभा की बात की थी? तो सर्वप्रथम बात किया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम इसकी मांग की थी, और किसके माध्यम से किया था? तो अपने स्वराज विधेयक के माध्यम से किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से किया था। यहां तक क्लियर है? 1895 के पहले भारत में एक घटना घट चुकी है। 1895 के पहले भारत में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है। इस प्रकार माना जाता है कि ये कांग्रेस की ही देन है कि लोगों के मन में, आम जनमानस के मन में स्वराज की भावना आ रही, अपने राज्य की भावना आ रही, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, तो स्वशासन चलाना चाह रहे, होम रूल लीग आंदोलन चला रहे हैं।
तो ये क्या था, 1895 में संविधान सभा की पहली मांग किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, स्वराज विधेयक के माध्यम से किया था। इसके बाद देखिए, मैं आपको संविधान सभा के वो पहलू जो क्रम वाइज है, जिसने मांग की और उसके बाद संविधान सभा अपनी मांगों के अनुसार कैसे आगे आधुनिक होकर पनपता चला गया, इस पर चर्चा करेंगे। यानी आज का जो लेक्चर है पहला बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान सभा के बारे में, जिससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान सभा की मांग, फिर हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन, फिर हम उसकी प्रक्रियाओं पर आएंगे, समिति अध्यक्ष कैसे बने और कैसे संविधान सभा चुनाव करके आगे बढ़ता है, क्लियर है। फिर हम लोग आज का संविधान सभा जो 24 जनवरी 1950 आखिरी था, उसके बाद 26 जनवरी 1950 के रूप में परिवर्तित हुआ, हम लोग तब की बात करेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे संविधान क्या है, फिर हम लोग प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य और उसका संघ क्षेत्र, नागरिकता, यानी करते हुए पूरे पॉलिटी पर चर्चा करेंगे, लेकिन बिना इसके पूरी पॉलिटी का चर्चा बेकार लगता। यानी ये क्या है, तो यही तो वो है जिस पटल पर बैठ के सब संविधान, जितने अधिकार हैं, जितने कर्तव्य हैं, सबकी मांगों को किया जा रहा है। इसलिए ये क्या कार्य हो रहा है, तो ये समझ लीजिए कि अपने देश के भविष्य की नीतियों के निर्धारण के लिए एक ऐसा पटल बनाया जा रहा है। इसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने भी कहा, महात्मा गांधी जी ने भी इस बात को उठाया कि भारतीय संविधान, देखिए इसमें क्रम से पढ़ा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, ये सब क्वेश्चन बन के आते हैं। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए, भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, 1922 के बाद 1924 में कांग्रेस द्वारा इस मांग को रखा गया, कांग्रेस ने भी क्या कहा, कांग्रेस ने भी कहा कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन आवश्यक है। इन्होंने कहा स्वराज विधेयक के माध्यम से कि संविधान सभा की मांग होनी चाहिए। जब ये कहते हैं संविधान मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, 1922 में महात्मा गांधी कहते हैं भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, जिसके लिए ये स्वतः अपने संविधान सभा का निर्वाचन करें। फिर उसी बात को 1924 में कांग्रेस द्वारा इस मांग को रखा गया और क्या कहा गया कि भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का गठन आवश्यक है। बेसिकली कब, 1927 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान सभा को अनिवार्य बताया गया, फिर 1924 और 1927 के बाद, 1924 और 1927 के बाद की अगर हम बात करें, तो फिर सबसे पहले अगर 1924 और 1927 के बाद सबसे पहले किसी ने औपचारिक रूप से, यानी इतने अच्छे ढंग से जो फॉर्मल तरीके से ड्राफ्टिंग करके किसी ने मांगी, औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग
इन राय द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? इन राय द्वारा किया गया। याद रखिएगा, पहली बार इतने लोगों ने अपनी बातों को रखा, लेकिन पहली बार औपचारिक तरीके से किसी ने संविधान के लिए संविधान सभा की मांग रखी, तो वो कौन थे? एम एन राय थे, जिसे व्यवहारिक और लोकप्रिय रूप प्रदान किया गया नेहरू जी के द्वारा। जब ये लखनऊ और फैजपुर महाराष्ट्र में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तभी इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि संविधान सभा होगी, और इन्होंने उसी अधिवेशन की अध्यक्षता के दौरान ही 1946 में अपने उद्देश्य प्रस्ताव को भी समझ लिया था कि मुझे उस उद्देश्य प्रस्ताव को लाकर किस प्रकार अपनी उद्देशिका का गठन करना है। यहां तक क्लियर है? यानी अगर पूछा जाए क्रम, तो संविधान सभा की मांग 1895 आपको दिख गया बाल गंगाधर तिलक, 1922 महात्मा गांधी जी, 1924 कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा, लेकिन 1927 मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मांग की गई। और इसके बाद औपचारिक रूप से अगर संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसी ने की थी, तो वो किसने की थी? एम एन राय ने की थी। किसने की? एम एन राय ने, जिसको लोकप्रिय और मूर्त रूप प्रदान किया है किसी ने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो जितने वाक्यांश अब तक मेरे थे वो क्वेश्चन थे, और आपको यही सब बताना होता है। फिर संविधान सभा की बात की जाए, हम आरंभ से चल रहे हैं, और कहां तक चल रहे हैं? हम आरंभ से चल रहे हैं जहां तक संविधान सभा को व्यवहारिक तरीके से मान लिया जाएगा, अब देखिए क्या है, इसके बाद एक अधिवेशन होता है 1934 में, 1934 में अधिवेशन होता है बंबई में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। हम उसकी बात कर लें, 1934 में, 1934 में बंबई अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसमें जब अध्यक्षता की थी, तो इसकी मुख्य भूमिका के रूप में आए थे कांग्रेस स्वराज पार्टी, के द्वारा मुख्य भूमिका निभाई गई थी। और क्या कहा गया था? इन्हीं के द्वारा जोर पूर्वक मांग की गई थी संविधान सभा की, कब? 1934 में, 1934 में कांग्रेस के स्वराज की मुख्य भूमिका इसमें दिखेगी, आप स्वराज पार्टी की मुख्य भूमिका दिखेगी, जिसने 1934 बंबई अधिवेशन में मांग की है। फिर क्या हुआ है 1936 में? 1936 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो 1936 में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि लखनऊ में हुई है, उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं, और यहीं पे क्या होता है, तो यहीं पे एक मांग की जाती है कि बगैर बाह्य हस्तक्षेप के, क्या कर दिया जाए? तो बगैर बाह्य हस्तक्षेप के हमारे संविधान सभा का गठन कर दिया जाए। यानी संविधान सभा किसकी है? संविधान सभा हम भारतीयों की है, तो इसमें किसी अन्य का बाह्य हस्तक्षेप ना हो, ऐसे अधिवेशन में नहीं होना चाहिए। फिर ये क्या होता है 1937 में, हम धीरे धीरे याद रखिएगा 42 की ओर बढ़ रहे हैं, जहां संविधान सभा को मान्यता प्राप्त हो जाएगी। 1937 में फैजपुर कहां पर है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन देखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं ये
आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बनते हैं, दोनों के लिए आपका ठीक है कार्य कर रहा है। 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र के कांग्रेस अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता भी, जो मैंने कहा था कि एमएन राय द्वारा प्रतिपादित औपचारिक तरीके से संविधान सभा की मांग को अगर मूर्त रूप किसी ने प्रदान किया है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, वो इन दोनों अधिवेशन से पुष्टि हो जाती है। 1937 फैजपुर महाराष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन में पंडित नेहरू जी यहां पर अध्यक्षता करते हैं और इस अध्यक्षता के दौरान ये क्या कहते हैं कि संविधान सभा जो गठित की जाएगी, जो भी संविधान सभा गठित की जाएगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगी, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगी। याद रखिएगा, सब में किसी ना किसी को आधार मानकर किसकी मांग की जा रही है, तो सब में किसी ना किसी को आधार मानकर किसकी मांग की गई है, संविधान सभा की। कैसे? 1934 में देख लीजिए, कांग्रेस अधिवेशन में बंबई में जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेन प्रसाद कर रहे हैं, वहां भी मांग की गई है। स्वराज पार्टियों की मुख्य भूमिका थी कि संविधान सभा मुझे चाहिए। 1936 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन किया गया और जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, इन्होंने यहां बाह्य हस्तक्षेप के बगैर संविधान सभा मांग की। 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं और क्या कहते हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अब देख लीजिए क्या किया गया है। 1939 में हरिपुरा के अधिवेशन में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे तीव्र तरीके से इसकी मांग रखी गई कि हमें संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए। लोगों ने मांग रखी और इन प्रक्रियाओं के माध्यम से, याद रखिएगा, इन प्रक्रियाओं के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने, अब तक हमने यह पढ़ा कि लोगों ने मांग की किसकी, संविधान सभा की। अब हम आगे की कड़ियों में पढ़ेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को देना चाह रही है, लेकिन उसका भी कुछ प्रलोभन है, उसको भी वो पूरा कराना चाह रही है। पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया। अगस्त प्रस्ताव 1940 पारित किया गया और क्या कहा गया, कहा गया कि भारतीय संविधान बनाना भारतीयों का काम है, भारतीय संविधान बनाना भारतीयों का काम है, किंतु ऐसा वह तभी कर सकेंगे जब वो द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सहयोग कर दे और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाए उसके बाद। तब आप बताइए, अगर आप उस समय जनमानस में होते तो क्या आप उसकी स्वीकृति करते, आप अगस्त प्रस्ताव का विरोध करते? हमारे यहां भी हुआ और उसके विरोध में क्या किया गया, उसके विरोध में हमारे यहां पहली बार सत्याग्रह आंदोलन और दिल्ली चलो आंदोलन आरंभ कर दिया गया, इसके विरोध में आरंभ हुआ। यानी अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया, क्लियर है? अब देखिए, अब जब भारतीयों ने इसका विरोध किया और यह भी क्या हुआ, खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, फिर ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन 1942 भारत भेजा और इस क्रिप्स मिशन 1942 में भी सारे प्रावधान देने के बाद लास्ट में क्या कह दिया गया, किंतु भारतीय ऐसा तब कर सकेंगे, भारतीय अपने संविधान सभा का निर्माण तब कर सकेंगे जब भारतीय, यानी इसमें मांग तो कर ली गई,
अस्पष्ट रूप से ही सही ब्रिटिश सरकार ने मान लिया कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए भारत के लोगों के खुद निर्वाचन के द्वारा बनाई गई एक संविधान सभा होनी चाहिए, और ऐसा संविधान सभा जिनके द्वारा, जिन प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया जाए, जो इसको भेजकर अपने प्रतिनिधि चयनित करते हैं, वही उस संविधान सभा में बैठ के अपने जनमानस के लिए संविधान का निर्माण करें। लेकिन ऐसा कार्य तब करेंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा। क्या कहा गया, इसका भी विरोध हुआ, और जब विरोध हुआ तो आपको याद है कि गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, पट्टाभी सीतारमैया जी ने इसे अगस्त प्रस्ताव का संस्करण मात्र कहा, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा, अ क्रसिंग बैंक अपाना, क्या कहा, अ पोस्ट डेटेड चेक अपाना क्रसिंग बैंक, एक डूबते हुए अथवा टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। हम इन सब पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप पहले समझ लीजिए कि अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा पहली बार अगर किसी ने स्वीकार किया तो ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार तो कर लिया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। 1942 में इन्होंने उसको भेजा इसलिए कि अब आप बनाएं, लेकिन मेरा ये कार्य कर दे, उसके बाद तो भारतीयों ने एक तरफ से इनकार कर दिया, और इनकार करने के बाद पहली बार संविधान सभा की मांग को व्यवहारिक रूप मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो हम लिख रहे हैं, हम चले कहां से थे 1895 थे और कहां पहुंचाए 1946 तक, तो यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। संविधान सभा की पहली बार स्पष्ट मांग और ऐसे संविधान सभा को व्यवहारिक रूप अगर प्रदान हुआ या मिला तो कहां मिला, कैबिनेट मिशन 1946 से। कैबिनेट मिशन 1946 से, और यही एकमात्र ऐसी कैबिनेट मिशन है जो संविधान सभा का गठन कर देती है, चुनाव कर देती है, और उसी संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान निर्मित होता है। इसलिए भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण कड़ियों में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी कोई है तो कैबिनेट मिशन है, जिसे सबने स्वीकार किया और स्वीकार करके संविधान सभा का चुनाव किया। और ऐसे संविधान सभा जिसका चुनाव हुआ है वो क्या करेगी, वो भारत के संविधान का निर्माण करेगी। तो हम लोग कहां से चले थे, भारतीय राज व्यवस्था में हमने आज का टॉपिक क्या लिया था, भारत की संविधान सभा लिया है। जब हमने भारत का संविधान सभा लिया है तो हमने आपको बताया कहां से आरंभ हुआ, कि सबसे पहले विश्व में मांग कहां हुई, किंतु व्यवहारिक रूप किस देश ने प्रदान किया, और आगे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कैसे कैसे ये संविधान सभा की मांग हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य मुद्दा बना रहा। फिर हमने क्या देखा, 1895 में पहली बार कैसे इसकी मांग हुई, जो आगे चलकर कहां तक आती है, 1946 कैबिनेट मिशन तक आती है। 1946 कैबिनेट मिशन तक आती है, इसका मतलब कि भारतीय संविधान सभा की सबसे पहली मांग अगर पूछा जाए 1895 के माध्यम से स्वराज विधेयक, और भारतीय संविधान सभा को व्यवहारिक और लोकप्रिय रूप मिला, किस अधिनियम द्वारा मिला, किस मिशन द्वारा मिला, तो कैबिनेट मिशन द्वारा मिला, और यही कैबिनेट मिशन संविधान सभा के निर्माण की मुख्य आधारशिला है, और इसी के द्वारा भारतीय संविधान का गठन करने वाली संविधान सभा जो थी उसका चुनाव जुलाई 1946 में हुआ है। तो आगे क्या कर दें, आगे जो इसका मुख्य आधारशिला थी, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन पढ़ लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसके बाद संविधान सभा का चुनाव जो हुआ है 389 सदस्यों का उसको पढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के पूर्व बनाई गई आधारशिला अर्थात संविधान सभा को मजबूत करने वाली, अर्थात संविधान सभा का निर्माण करने वाली अगर प्रमुख आधारशिला कोई है तो 1946 है, किंतु पहली बार अगर देखा जाए तो मांग स्वीकार की गई है 1940 में, तो अगस्त प्रस्ताव क्या है इसको भी देख लिया जाए। तो याद रखिए, भारत के संविधान को जब जब हम पढ़ते हैं, भारत के संविधान को जब जब हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले संवैधानिक काल का विकास पढ़ते हैं, जो कब से कब तक होता है, 1773 के एक्ट से आरंभ होता है और 1935 भारत शासन अधिनियम तक चलता है। 1773 के एक्ट से आरंभ होकर 1935 भारत शासन अधिनियम तक चलता है, किंतु
मेन मुद्दा हमारे संविधान सभा का यहां से, इसलिए हम क्या कर लेंगे इसको बाद में पढ़ेंगे, हम पहले यहां पढ़ेंगे जो हमारे संविधान सभा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगस्त प्रस्ताव 1940 देख लीजिए, अगस्त प्रस्ताव 1940 क्या है, 8 अगस्त 1940 को यह अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ है। डेट भी याद रखिएगा और तर्क भी याद रखिएगा हम क्यों पढ़ रहे हैं। 8 अगस्त 1940 को यह प्रस्ताव पारित किया गया, अध्यक्ष थे लॉर्ड लिन लिथिगो। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिन लिथिगो, तत्कालीन भारतीय वायसराय। याद करिए 1858 के बाद वायसराय कौन था? जो गवर्नर जनरल था उसको वायसराय घोषित कर दिया गया, तो तत्कालीन गवर्नर जनरल अथवा वायसराय कोई था तो लॉर्ड लिन लिथिगो था, जिसकी अध्यक्षता में 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ है। क्लियर है यहां तक? फिर देखिए इस अगस्त प्रस्ताव में कहा क्या गया, इस अगस्त प्रस्ताव में कहा क्या गया, तो कहा गया कि भैया गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद है जो पूरे भारत के लिए विधि बना रही है, जो सबके लिए नियमों का निर्माण कर रही है, उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। पहली बात क्या रखी गई है कि इसमें भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, किसमें? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। फिर क्या कहा गया? भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। पहली बार अगस्त प्रस्ताव ने संविधान सभा की स्वीकृति प्रदान की है, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। किंतु ऐसा वो कब कर सकेंगे? तो ऐसा वो कर सकेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। अब प्रथम विश्व युद्ध में नजर डालिए तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब कंडीशन क्या घटती है? जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस के साथ बैठक में ब्रिटिश सरकार ने यह कहा था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में आप भारतीय हमारा सहयोग करेंगे तो हम देश को जल्दी आजाद कर देंगे और आप अपना संविधान बनाएं, हम क्या कर देंगे, हम यहां से अपने सारे अधिकारों को समाप्त कर देंगे। भारतीयों को भरोसा हो गया और खुद महात्मा गांधी जी ने इसके लिए पहल की और लोगों को अधिक से अधिक युद्ध के लिए भेजा। इन्हें उस दौरान सेना भर्ती करने वाला सर्जेंट के नाम से जाना गया। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध में 90,000 हमारे भारतीय मारे गए, हमें समझ में आ गया कि हमारे साथ धोखा हुआ है। कांग्रेस ने टोटली इस बात का मुद्दा बना लिया और अगस्त प्रस्ताव का विरोध आरंभ कर दिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हम कैसे भरोसा करें उस व्यक्ति पे, जिस व्यक्ति ने, जिस सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमारी मांग नहीं मानी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीय अपना संविधान बनाएंगे, इस मुद्दे पर सबसे पहले कांग्रेस विरोध कर लेती है। और कांग्रेस क्या करती है इस मुद्दे पर विरोध करने के लिए, अपने को इस अगस्त प्रस्ताव से अलग करने के लिए तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग ना देने के लिए नारा लगाती है, ना कोई भाई ना कोई पाई, ना कोई भाई ना कोई पाई नारा लगाती है। और इन सबके विरोध में ही, पहली बार क्या किया जाता है तो आंदोलन चलाया जाता है। और कौन से आंदोलन चलाए जाते हैं? तो आंदोलन चलाया जाता है जिसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन क्या है? तो इसके लिए याद रखिएगा, सबसे पहली बार जब इसका विरोध कांग्रेस करेगी तो क्या कर देगी कांग्रेस ने इसके लिए 17 अक्टूबर 1940 को पवनार महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। किसके नेतृत्व में किया? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया व्यक्तिगत सत्याग्रह, और यही व्यक्तिगत सत्याग्रह दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना गया। आरंभ कहां से हुआ? पवनार महाराष्ट्र से। पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रथम सत्याग्रही कौन थे और उसके बाद सत्याग्रही कौन बने? तो जान लीजिएगा, प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे और द्वितीय सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सत्याग्रह जो ये था, आरंभ क्यों हुआ आंदोलन? तो सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ है अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। कांग्रेस अपने को अलग दिखाना चाह रही इसलिए अगस्त प्रस्ताव लाई है, और इस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से वो नारा भी दे रही, ना कोई भाई ना कोई पाई। और उसने बता दिया कि कांग्रेस
किसी भी तरीके से ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है और अगस्त प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है। इसका मतलब अब अगस्त प्रस्ताव समाप्त हुआ है, इसका मतलब अब अगस्त प्रस्ताव समाप्त हुआ है। और अगस्त प्रस्ताव के समाप्त होने पर ब्रिटिश सरकार ने फिर से भारतीयों को आपस में मिलाने के लिए, भारतीयों को आपस में मिलाने के लिए तथा भारतीयों के लिए एक संविधान सभा के गठन की बात करने के लिए क्रिप्स मिशन 1942 भारत भेजा। क्या भेजा? क्रिप्स मिशन 1942 भारत भेजा। और फिर क्रिप्स मिशन 1942 जो भारत आया उसकी कंडीशन देख लीजिए, ये किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में पारित हुआ? तो ये प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल जी, जिनके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिनके नेतृत्व में। लेकिन विंस्टन चर्चिल जी ने घोषणा करने के बाद इसका अध्यक्ष किसे बनाया? क्रिप्स मिशन 1942 का, क्रिप्स मिशन 1942 का अध्यक्ष बनाया सर स्टेफर्ड क्रिप्स को। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में एक मिशन भारत आया जो क्रिप्स मिशन 1942 कहलाया। और क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिप्स मिशन 1942 भारत कब आया? 23 मार्च 1942 को भारत में आया। और रिपोर्ट कब दिया? 30 मार्च 1942 को दिया। इसकी घोषणा हुई है 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश संसद में, क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 23 मार्च 1942 को भारत भेजा गया है। और ऐसे क्रिप्स मिशन ने अपने मिशन की रिपोर्ट 30 मार्च 1942 को दी, जिसमें निम्न प्रावधान दिए। क्या क्या दिए? तो इसमें इन्होंने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा स्थापित की जाएगी। एक निर्वाचित संविधान सभा की स्थापना की जाएगी जो क्या करेगी? भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। फिर क्या कह रहे हैं? ऐसे निर्वाचित संविधान सभा में भारतीय राज्यों के सभी प्रतिनिधि शामिल होंगे, भारतीय राज्यों के सभी प्रतिनिधि शामिल होंगे। फिर क्या कहा गया है इसके प्रावधान में? इसके प्रावधान में और चीजें कही गई और कहा गया है देशी रियासतों को छूट होगी कि वह ऐसे क्रिप्स मिशन की बातों को माने अन्यथा ना माने। सभी दलों द्वारा क्या कर दिया गया? इसको अस्वीकार कर दिया गया। सभी दलों द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस ने देखा कि देशी रियासतों को छूट होगी और सभी राज्यों को इसमें शामिल कर दिया जाएगा, इससे क्या होगा? देश में विभाजन हो सकता है। और अगर फिर मुस्लिम लीग ने देखा कि मेरी तो जो भारत विभाजन की मांग थी, एक अलग राष्ट्र की मांग थी, वो पूरी नहीं हुई, तो मुस्लिम लीग ने भी क्या किया? इसका बहिष्कार कर दिया। यानी भारत के सभी दलों द्वारा क्रिप्स मिशन का बहिष्कार किया गया और इस पर आलोचना की गई। क्रिप्स मिशन पर आलोचना की गई। महात्मा गांधी जी ने इसकी आलोचना में क्या कहा? यह दिवालिया बैंक के नाम, उत्तर दिनांकित चेक है, यह दिवालिया बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है, अर्थात ए पोस्ट डेटेड चेक। किसकी संज्ञा दी? ए पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी महात्मा गांधी जी ने किसे? क्रिप्स मिशन को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा? एक डूबते हुए बैंक के नाम,
उत्तर दिनांकित चेक। एक डूबते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पोस्ट डेटेड चेक, अपॉन क्रशिंग बैंक, एक डूबते अथवा टूटते हुए, दोनों नाम होता है, एक डूबते अथवा टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा किसने दी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी है। पट्टा भी सीता रमैया जी ने इसे अगस्त प्रस्ताव का संस्करण मात्र कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव को क्या कहा है? क्रिप्स मिशन पर इतनी आलोचना है किसने की? महात्मा गांधी जी ने। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ए पोस्ट डेटेड चेक, ये संज्ञा किसने दी है? एक उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दिया है महात्मा गांधी जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा एक डूबते अथवा टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। पट्टाभी सीतारमैया जी क्या कहते हैं? तो पट्टाभी सीतारमैया जी ने कहा कि ये कुछ नहीं है, ये अगस्त प्रस्ताव का संस्करण मात्र है, मात्र इन्होंने कुछ नहीं किया, इन प्रावधानों को ही इधर उधर परिवर्तित करके हमें पुनः दे दिया है। फिर अगस्त प्रस्ताव कैंसिल हो गया, और जैसे ही अगस्त प्रस्ताव कैंसिल हुआ घटना घट गई ब्रिटिश में 1945 की। 1945 में पहली बार क्या होता है? विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व वाली जो सरकार थी वो हटती है। रीजन, पहली बार लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई, और लेबर पार्टी की सरकार बड़ी उदार थी। उदार भी थी, दो कारण थे। एक तो उदार थी तो उनको ये भी पता था कि जिस प्रकार हम उदारवादी यानी हम मध्यम वर्गीय लोग, लेबर पार्टी ब्रिटिश में इस प्रकार शोषण देख रहे हैं और परेशान है, उसी प्रकार भारतीय जनता भी, जनमानस भी ब्रिटिश सरकार से परेशान है। दूसरा, विश्व के अन्य देशों में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद सबके उपनिवेश टूट रहे हैं। जब सबके उपनिवेश टूट रहे हैं तो सब ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि आप भी अपने उपनिवेश खत्म करें और अपने देश लौटें, जैसा कि सब लौट रहे हैं। तो यह भी दबाव क्या कर रहा है? यह भी दबाव इनको मजबूर कर रहा है भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए। यह भी दबाव इनको मजबूत कर रहा है भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो देखिए कैबिनेट मिशन 1946 क्या कह रहा है। कैबिनेट मिशन 1946 ने क्या कहा? कैबिनेट मिशन 1946 जिस समय पारित हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली, जिनके नेतृत्व में क्या हुआ है? तो जिनके नेतृत्व में कैबिनेट मिशन 1946 पारित हुआ है। कैबिनेट मिशन 1946 क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में पारित हुआ है, जो कि उस समय ब्रिटिश सरकार थे, यानी ब्रिटिश में प्रधानमंत्री के पद पर थे। 15 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा ब्रिटिश संसद में की गई। 15 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा ब्रिटिश संसद में की गई और कहा गया ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन होगा। सवाल यह है, कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैबिनेट मिशन के सभी सदस्य कैबिनेट के थे, इसीलिए इसको नाम ही दे दिया गया कैबिनेट। कोई एक इसका मुख्य नहीं था, कैबिनेट के तीनों सदस्य थे, इसलिए पहली बार कोई ऐसा मिशन है जिसे नाम दिया गया कैबिनेट। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। सर स्टेफर्ड क्रिप, जो कि व्यापार बोर्ड के सदस्य थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि तत्कालीन भारतीय सचिव थे। तत्कालीन भारत सचिव के पद पर थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन है। पहले सदस्य कौन है? सर स्टेफर्ड क्रिप्स,
जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस दूसरे सदस्य हैं जो कि तत्कालीन भारत सचिव हैं, और एवी अलेक्जेंडर जो कि तीसरे सदस्य हैं और ये नौसेना मंत्री हैं, नौसेना अध्यक्ष। क्लियर है? ये तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को, 23 मार्च 1942 को कैबिनेट क्रिप्स पहुंचा था। 24 मार्च 1946 को कौन आया है? कैबिनेट आया है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट पारित किया है। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट पारित किया है। कैबिनेट मिशन के प्रावधान क्या क्या थे? कैबिनेट मिशन के प्रावधान थे, ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा कहा गया कि भारत में एक संविधान निर्माण के लिए संविधान संघ का, भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, जो किससे निर्मित होगी? तो जो ब्रिटिश भारत के द्वारा और देशी रियासतों को मिलाकर निर्मित की जाएगी, जो देशी रियासत और ब्रिटिश भारत को मिलाकर निर्मित की जाएगी। संघ के विषय को छोड़कर, यानी याद रखिएगा, रक्षा, विदेश, आयात, निर्यात, जो संघ के विषय को छोड़कर बाकी सारे प्रांतीय विषय और अवशिष्ट शक्तियां किसमें समाहित होंगी? तो कहा गया ये सभी समाहित होंगी केंद्र में। जो ये संघ होगा, जिस संघ का निर्माण किया गया, उस संघ के लिए कहा गया कि संघ के विषय को छोड़कर से सभी विषय इसी संघ में समाहित होंगी। क्लियर है? जो इन दोनों को मिलाकर बनेगी। फिर क्या कहा गया? ऐसा संघ, ऐसी भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा होगा? तो कहा गया भारतीय संविधान सभा का निर्माण प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होगा। प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनाव कराया जाएगा। क्लियर है? यानी अगर सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा, जो कि संविधान का निर्माण करती है, इनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ? इनके सदस्यों का निर्वाचन हुआ अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। किसने किया? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने किया। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने किया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन किया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चयन किया गया। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1946 इसी पर पूरी संविधान सभा आधारित है। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित होंगे। अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित होंगे। मुस्लिम समुदाय अपने मुस्लिम प्रतिनिधि का चयन करेगा, सिख समुदाय अपने सिख प्रतिनिधि का चयन करेगा, बाकी इनके अलावा क्या होगा? इनके अलावा सामान्य समुदाय भी होगा। सामान्य समुदाय, मुस्लिम समुदाय, और सिख समुदाय, यानी इन तीनों प्रकार के समुदायों को क्या कहा गया कि भैया जो भी भारतीय संविधान सभा के प्रतिनिधि होंगे, अपने अपने समुदायों के द्वारा चयनित निर्वाचित किए जाएंगे। देशी रियासतों का चयन उनकी स्वेच्छा पर निर्भर था। और जान लीजिए, अंग्रेज जाते जाते, ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिशर्स जाते जाते यही एक पॉइंट जो था विभाजन का देकर चले गए, जिसे राज्यों का एकीकरण करते समय बड़ी दिक्कत आई। इन्होंने क्या कहा कि देशी रियासतों का चयन उनकी स्वेच्छा पर निर्भर होगा। और यही है कैबिनेट मिशन, जो किसकी आधारशिला बनी? तो संविधान सभा की। और संविधान सभा किसकी आधारशिला है? संविधान सभा भारतीय संविधान के निर्माण का पटल है। क्लियर हुआ यहां तक? जो हम लोगों ने संविधान सभा पढ़ा, जो हम लोगों ने संविधान सभा पर महत्वपूर्ण चर्चा की, ये क्लियर हुआ? अब आप एक चीज समझ लीजिए कि जब हम इसके आगे आएंगे, अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ऐसे संविधान सभा कितने सदस्यों की बनी, जिसका चुनाव कैसे हुआ, और कौन कौन से ऐसे थे जो इसमें शामिल नहीं हुई, कितनी महिलाएं थी,
क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और किनका कहाँ से निर्वाचन हुआ, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। तो प्लीज फिर से बता दूं कि जो आप हमारे वीडियो के नीचे जो लिंक होती है उसको टच करें और प्रवेश प्रक्रिया आरंभ है वहां पर देख लें, और इसके अलावा इस नंबर पे आकर आप संपर्क कर लें। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये बैच को एकलव्य बैच नाम दिया गया है, और कोशिश यही है कि जितने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमसे हो सके अच्छा सा अच्छा फैक्ट आपको दिया जाए। तो फिर क्या किया जाए, अगले लेक्चर में देखा जाए इसके आगे की कड़ी को कि संविधान सभा किस प्रकार अपने निर्वाचन की पद्धति को आगे बढ़ाती है। केवल बता दिया गया, इसमें यह बता दिया गया कि कैबिनेट मिशन ही इसका मुख्य आधार होगी जो इनका चयन करेगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।